अल्पसंख्यकों ने, जो अल्पसंख्यक थे बांग्लादेश में, जो अल्पसंख्यक थे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जो हिंदुस्तान आए और ये लोक जागरण मंच के द्वारा उन्नाव में CAA जो एक्ट बना है उसके समर्थन में एक शोभा यात्रा, एक पद यात्रा, एक रैली का सभा का आयोजन किया गया है। उसके तहत ये लोगों ने आमंत्रित किया है प्रदेश अध्यक्ष के नाते, मैं भी उनके समर्थन में यहाँ आया हूँ और यात्रा जितना देर चलेगा लगभग उसमें मैं शामिल होऊंगा। और माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ने जो CAA कानून बनाया है जो दलित शोषित वंचित के हित में है, जो बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान के सिख ईसाई अपने बौद्ध हिंदू जैन ये जो लोग वहाँ उत्पीड़न हुआ है, जो हिंदुस्तान में आए हैं, जिनको सम्मान मिलेगा उसका, उनकी नागरिकता उनको मिलेगी, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी को बाहर करने के लिए एक्ट नहीं बना है, केवल समर्थन में आया है और लोगों को सम्मान के लिए एक्ट बनाया गया है। देखिए, जो विरोध था दो तीन दिन, राज्य को हिंसा के रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया था प्रियंका जी ने, सपा ने, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया माननीय योगी जी यहाँ के अधिकारियों ने और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने। तुरंत मुस्लिम समाज को समझाने का प्रयास किया और वो सब नौजवान मान गए, फिर से वापस हुए और वह समझे कि इस एक्ट में मुस्लिम विरोधी नहीं है। जिन मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ है, यानी नेहरू लिया के जो समझौता हुआ था दोनों राज्यों के अंदर कि दोनों देशों के अंदर अल्पसंख्यक का सम्मान होगा, हिंदुस्तान में तो काम बखूबी यहाँ की सरकार किया, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान के अंदर वह काम नहीं किया, जिसके कारण वहाँ मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं का अपमान हुआ, सिखों का अपमान हुआ, जैनों का अपमान हुआ, जैन धर्म यानी ईसाइयों का, तो वह लोग जो हिंदुस्तान में आए शरण लिया, नरकी जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनको आदरणीय मोदी जी अमित शाह ने वो एक्ट कानून बनाकर अब उनको सम्मान दिया जाएगा और सरकार की संपूर्ण योजना उस गरीब तक पहुंचेगी। बहुत बहुत